हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है मेकअप फॉर न्यूली ब्राइड्स। सो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। स्टेप सारे फॉलो करने चाहिए आपको, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। बट मॉइस्चराइजर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, ये प्लिक्स का, ठीक है, प्लिक्स का गुआवा ग्लो मॉइस्चराइजर है। अब ये मॉइस्चराइजर क्या करेगा मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले तो ग्लो देगा स्किन को, ठीक है, जो कि हमें मेकअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्लो देगा मेरे मेकअप में और मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। विंटर्स में हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये हाइड्रेशन लेवल जो है मेरी स्किन का मेंटेन रखेगा। तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, देन मैं इसको फिंगर की हेल्प से अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब कराऊंगी। प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे रिकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर है। आप लोगों के पास जो प्राइमर है आप वो यूज कर सकते हो। मेरे पास एक और प्राइमर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, है स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर प्राइमर। तो मैं ये भी यूज कर सकती हूँ, बट मेरे ओपन पोर्सेस हैं तो उसको ब्लर आउट करने के लिए मैं ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अभी बताऊंगी इसका क्या यूज़ है और उसको उसके साथ मैं ये यूज़ करके आप लोग को दिखाने वाली हूँ। सो इस प्राइमर को सबसे पहले मैं अराउंड द नोज अच्छे से, जहाँ पे मेरे पोर्स है ना वहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ। तो हमने अपनी स्किन को प्राइम कर लिया है अच्छे से। प्राइम करने के बाद अब मैंने ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर, मैंने आप लोग को बताया था, वो मैंने ले लिया है। अब मैंने अपने पैलेट पे थोड़ा सा, टू पम्प्स अपने पैलेट पे ले लिया है। इसमें मैं मिक्स करूंगी अपना फाउंडेशन जो मैंने यूज़ करना है आज। पैक NC42 है जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मेरे पास जो फाउंडेशन अवेलेबल हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आप उससे करो। मिनिमम सा मेकअप करना है आपको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मैं डायरेक्ट इसको एक स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से पहले स्प्रेड करूँगी फेस पे, उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करूँगी, ठीक है ना। ये इतना अच्छा फाउंडेशन है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, कवरेज तो अच्छी देता ही है, साथ में एक शीयर ग्लो देता है। एज यू कैन सी, ये शीयर ग्लो देता है स्किन पे, जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा नीडेड है, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो कितना ज्यादा लाइट है, मतलब जैसे थी वैसा ही है। आप लोग देख सकते हैं मैंने बेस बना लिया है, मेरा बेस कितना ग्लो कर रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने आप लोग को सीक्रेट बता दिया कि किस तरीके से आपको बेस बनाना है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि कंसीलर है। मैं यूज़ करूँगी ये टू फेस का कंसीलर, ये हाईलाइट के लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, अंडर आई पे थोड़ा सा न्यूट्रलाइजिंग। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे लग रहा है कि मेरे स्किन टोन का ही है, तो ये मैं ब्लेंड कर लूँगी अब इसे। As you can see, इसने न्यूट्रलाइज कर दिया है, मुझे किसी और हाइलाइटिंग कंसीलर की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ना, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, इसलिए ये अच्छे से अच्छे डार्क स्पॉट को भी कवर कर सकता है। मैंने कंसीलर भी यूज़ कर लिया है, आईलिड्स के ऊपर ये वाला कंसीलर यूज़ करूँगी, ये रिकोड का कंसीलर है, ये एक टोन अप है मेरी स्किन टोन से।
क्विक पफ लेना है इस तरीके का, और एक कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है। कॉम्पैक्ट से सेट कर लो अंडर आईज को। अंडर आईज को क्या, पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लीजिए कॉम्पैक्ट से। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना बेस बना लिया। अब हम लोग आई मेकअप करने जा रहे हैं। सो आई मेकअप के लिए आपको कुछ मिनिमम ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक ब्रश किट भी ले सकते हो मीशो या अमेजोन से, आपको आसानी से मिल जाएगी। उसमें आपको 4 से 5 आई मेकअप के ब्रशेस मिलेंगे और 4 ही 5 आपको फेस ब्रशेस मिल जाएंगे, तो आप वो ब्रश किट भी खरीद सकते हो। आई मेकअप के लिए मैंने ये 3 ब्रशेस लिए हैं। इससे मैं अपने आई मेकअप को ब्लेंड करूंगी, इससे मैं आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को फिल करूंगी, और इससे मैं शिमर या ग्लिटर को अप्लाई करूंगी। तो मोस्टली आप लोगों को सिर्फ 3 ब्रशेस की ही नीड पड़ेगी आप एक अच्छा आई मेकअप क्रिएट करने के लिए। तो आप इन ब्रशेस को ले सकते हो, मेरे ब्रशेस प्रो आर्ट और प्रोश के हैं, आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी आप Amazon मार्केट में जाकर ले सकते हो। बट ब्रशेस याद रखिए, क्या आप लोग याद रखिए, आप लोग को इस तरीके के ब्रशेस की जरूरत है, इससे आप अच्छा आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। ले मैंने एक ब्राउन कलर लिया है, यहाँ से आंखों के ऊपर इस तरीके से मुझे थोड़ा सा, मुझे मेरे कुर्ते के साथ में मैचिंग चाहिए। ये वाला ब्रश ले रही हूँ और ये वाला डार्क कलर ले रही हूँ। ये वाला जे उसको लगा के ऐसे ऐसे से मर्ज कर लेंगे, थोड़ा स्मोकी वाला इफेक्ट आएगा। अब मैं मिड पे एक शिमर अप्लाई करूँगी, ये वाला। आपके पास जो भी पैलेट है उसमें से एक रोज गोल्ड कलर का शिमर लेकर के मिड में अप्लाई कर लो। अब मैं लैशेस लगा ले रही हूँ। यूज करूंगी ब्लश अब। ब्लश आपको यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा लगा लेना है आपको अच्छे से। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं लिप लाइनर्स, डीप ब्राउन इसका नाम है। अब बस जितना भी आपने मेकअप किया है सबको फिक्स कर लो एक अच्छे मेकअप फिक्सर के साथ। कुछ इस तरीके से आप अपनी शादी के बाद थोड़ा बड़ा मेकअप करके आप घर से बाहर जा सकते हैं। और यहाँ तक कि इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए मुझे बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।